Hi guys, welcome back to my channel That's Good with Nikki. This is Nikita. आज है थर्सडे, इट्स 28th of April और अभी बज रहे हैं शाम के 7:10 एंड चैनल्स ने मुझे जस्ट कॉल किया था 45 मिनट्स पहले एंड शी वॉज लाइक लेट्स गो शॉपिंग. तो हमारा झटपट सा प्लान बन गया है, क्विक सा प्लान. और अब मैं जाने वाली हूँ लोखंड वाला मार्केट क्योंकि मुझे वो वहाँ पर मिलने वाली है. सो लेट्स गो. ये जो लोखंड वाला मार्केट है, इट इज़ सिचुएटेड इन अंधेरी वेस्ट फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो. एंड दिस मार्केट इज़ लाइक अ शॉपिंग हेवन फॉर दोज हु लव शॉपिंग. एंड यू कैन शॉप फ्रॉम वैरायटी ऑफ शॉप्स ऑल ओवर द लाइन ओवर योर. एंड यू कैन बाय सम नाइस मॉडर्न वेस्टर्न क्लोथ्स अलॉन्ग विद ट्रेडिशनल क्लोथ्स. एंड यू गेट लॉट ऑफ मोबाइल एक्सेसरीज एंड देर आर फूड ईटिंग जॉइंट्स ऑल्सो विच यू विल एब्सोल्युटली लव. सो आई जस्ट रीच्ड इन 15 मिनट्स और चाइनीज को और आधा घंटा लगने वाला है आने के लिए. सो आई जस्ट रोम अबाउट इन लोखंड वाला मार्केट. This jewelry and accessory shop is a very famous shop next to food and restaurant. और वहाँ पर walk करने के time में see what happened to me. और जब मैं वहाँ पर पहुँची आधे घंटे बाद mom भी आ गई. Try both. Eat with your hand. What are you saying? Sky? What happened, Chikku? You want milk or what? Milk you want, beta? Sky, you? Milk you want? Sweet too? No, Babu, no! Ayyo! Sky, you? What do you want to watch, Babu? Excited. दो दिन पहले along with Shanice, even I ended up buying something for my birthday. और उसमें से जो मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई है वो है ये कपड़ा. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिटर्न इट बैक टू लोखंड वाला नाउ. और इसके बदले आई टेक समथिंग एल्स विच विल लुक नाइस. और ये काफ़ी अच्छा भी लगता है लेकिन आई थिंक द कलर इज टू लाउड. इतना ये सटल लग रहा है पहनने पर इट्स लुकिंग टू लाउड विच आई डोंट लाइक. इसलिए इसके बदले आई बाई समथिंग एल्स. मैंने मेरे बर्थडे का शॉपिंग इन ट्रेंड दुकान से किया है और वहाँ पर बाजू में लाइन से यू कैन सी मेनी गुड शॉप्स वे यू कैन शॉप. केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल शॉप फॉर द फर्स्ट टाइम जो लोखंडवाला के मार्केट के अंदर है एंड यू कैन रियली बार्गेन. एंड तो मैंने मेरा कपड़ा एक्सचेंज कर दिया है एंड आई गॉट सम बुक्स फ्रॉम द बुक स्टोर जो है अम्बियनो शॉपिंग सेंटर में लोखंडवाला में. और काफ़ी अच्छे बुक्स मिलते हैं. थोड़े बार्गेन किया है एंड आई गॉट इट एट अ चीप रेट. एंड नाउ आई हैव गॉट माय कजन ब्रदर ओवर हियर लैंड्स विद मी और हम जा रहे हैं अभी टू हैव मिल्क शेक. इसको देखो गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, बुक से हवा ले रहा है. ईगो इज द एनिमी. और ये जो दुकान है पिशूज, इट्स माई फेवरेट जूस हब एंड मिल्क शेक हब एंड आई रियली लव द वैरायटी एंड आई एम गोइंग योर सिंस माई चाइल्डहुड. हियर इज माई मौसमी जूस. Every Wednesday, thousands of devotees come to visit this church and they pray. And as you can see, people are actually kneeling from the entrance of the church towards the altar. आज वेनेसडे है और हम माहिम के सेंट माइकल्स चर्च में अभी आए थे. हम लोग ने प्रे कर लिया है और उसके बाद मॉम्स बिजी विथ हर शॉपिंग. और चर्च के बाहर काइंड ऑफ मार्केट ऑन एवरी वेनेसडे. सो लाइन में सब स्टॉल्स है एंड यू कैन जस्ट बाय व्हाटएवर यू वांट. And it is so hot, so chira soda pi rahi hu main abhi. First copy makeup products. Mummy, you got so much sona, but you want to buy all this every time. How much rupees? 150. 150.
मैं और मम्मी ये मार्केट में आए थे क्योंकि मम्मी को एक काम था, शी वॉन्टेड टू बाई सुक्का मच्छी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा सुक्का मच्छी मिलता है, लेकिन हम लोग ने पूरा राउंड ले लिया मार्केट का, मिला ही नहीं है। वाई यू वॉन्टेड सुक्का मच्छी फ्रॉम हियर? बिकॉज वी आई गेट एवरी ईयर फ्रॉम हियर बट बिकॉज ऑफ कोरोना टू इयर्स वी डिडंट कम हियर, परत मदर आ गया और जून में मिलता नहीं है मच्छी सुक्का मच्छी, सो वी हैव टू बाय इट इन बिफोर लाइक बिफोर जून, लेकिन आज आंटी मिली नहीं हमें, सो नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पर जो कपड़े हैं इट्स इन सेल फॉर 30 rupees ऑनवर्ड, 30 rupees, 50 rupees, 100 rupees बट आई गेस ये सब सेकेंड हैंड है इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग। एंड मम्मी को चाहिए ये काला धागा स्काईयू के लिए 1 meter। Which one you like? And we found this beautiful shop having this nice clothes for children. मम्मी को ये वाला भी पसंद आया, इट्स लाइक रियली फैशनेबल और यहाँ पर पैंट्स भी है। मम्मी आर यू हैप्पी विद द ड्रेसेस? यस आई एम वेरी हैप्पी। स्काई तो विल बी वेरी हैप्पी। कॉटन ड्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन हॉट सीजन। यस। एक चीज़ जो मैंने सीखी है जब आपके पास छोटे बच्चे होते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक देम वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स नॉट फैशनेबल एंड स्टाइलिश एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स। सो आज जो हम लोग ने लिया है इट्स लाइक रियली कंफर्टेबल एंड वेरी सिंपल एंड ब्रीदेबल एंड कंफर्टेबल फॉर स्काई। शी विल बी रियली हैप्पी क्योंकि उसको ज़्यादा कपड़े पहनने में पसंद नहीं आता है एंड शी लाइक्स लूज क्लोथ्स, सो शी विल रियली लव इट एंड इवन शैनिस इज गोइंग टू लव इट। वन टिप फॉर यू गाइज वॉचिंग द वीडियो, इफ यू हैव टू गिव समवन, if you have to ever gift a small baby any clothing item please give them something which is loose comfortable yet pretty because children love comfortable। hamara shopping ho gaya hai abhi, hame bhook lagi hai kyunki it's 3 o'clock in the afternoon aur yahan par jo restaurant hai Shehnaz yahan par aap hamesha khate the na mummy ko mine opposite mine church yeah opposite mine church every time we come here yeah। तो यहाँ पर अच्छा कीमा पाव एंड यू गेट दिस बिरयानी। योर्स आर कीमा पाव है हमारा प्रॉन्स बिरयानी। मम्मी आर यू एंजॉइंग द फूड? इट्स रियली टेस्टी ना, द कीमा हैज सो मच ऑफ फ्लेवर। हमारा पेट पूजा भी हो गया एंड द कीमा पाव ओवर हियर वाज सुपर्ब। 90 rupees में हमें हाफ प्लेट मिला और हम लोग को एक्चुअली पार्सल भी चाहिए था लेकिन इट गॉट ओवर, फालूडा पार्सल ले लिया बिकॉज हम लोग ने प्रॉन्स बिरयानी खाया है एंड ऑन टॉप ऑफ प्रॉन्स We're not supposed to eat any milk product. And for a change, हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं आज क्योंकि वी वेटिंग फॉर टैक्सी एंड देन वी हैड टू चेंज एंड कैच अ रिक्शा फ्रॉम बांद्रा लेकिन देयर वाज अ एम्प्टी बस डायरेक्टली टू गोशीवारा, सो वी आर सेविंग मनी ऑल्सो एंड इट्स फन ट्रैवलिंग बाई बस। वी एंजॉयिंग द बस टुडे आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम एंड इट्स फन टू ट्रैवल, फन टू बस जर्नी जो था इट वॉज वेरी स्मूथ एंड इट्स रियली रियली वेरी हॉट। ये जो फालूडा है फालूडा भी है ये गर्म हो गया है एंड आई एम क्रेविंग समथिंग रियली कूल, सो डू कमेंट एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है समर सीजन में। आई रियली वॉन्ट टू हैव सम ठंडा पानी नाउ विद बर्फ। व्हाट डू यू वॉन्ट टू हैव? नथिंग, टेक बाथ। या रियली यू टेक बाथ ऑल्सो, काफ़ी गर्मी है और पूरा पसीना भी आ रहा है आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। 200 rupees भी सेव कर लिया जस्ट बिकॉज वी ट्रैवल्ड बाय बस। ऑल आई नीड इज दिस अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर विद आइस क्यूब। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट एंड आई विल सी ऑल सुपर सून विद अ न्यू वीडियो। अंटिल देन बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो।